हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो आपस में 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हों, दैट मींस दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा हमें एक सर्कल बनाना है और इसके ऊपर दो टेंजेंट्स इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है ना। तो मैं यहाँ पे कहाँ से पहुँचूँगी, ये पॉइंट तो मुझे दिया होता था, अब मैं ऐसा कैसे पॉइंट बनाऊँ कि 60 डिग्री का एंगल बने उनके बीच में। तो यहाँ हमें कुछ आइडिया नहीं है ना, लेकिन देखिए हमें क्या पता है, एक सेंटर पता है सर्कल का, और अगर मैं इसकी दो रेडियस यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, टेंजेंट से मिला देती हूँ, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और ये भी कितने का है, 90 का, और सेंटर पे कितना बनेगा, ये और ये दोनों मिला के 180 के होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री का है। तो अब हम ये ही काम करेंगे, ये तीनों एंगल्स की बेस पता है मुझे, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लूँगी, है ना। सेंटर पता है और रेडियस आप बना सकते हैं, तो ये एंगल बना लेंगे, ये रेडियस पे आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे इधर भी और इधर भी, तो ऑटोमेटिकली जहाँ लाइंस कट करेंगी वहाँ हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। देखिए यहाँ 90 का बनाना है आपको, यहाँ पे भी 90 का, और जो बीच में एंगल है वो 120 डिग्री का। बहुत ध्यान से आपको ये कंस्ट्रक्शन सीखनी है। बस को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से आप सम कंपास सेट करके यहाँ हम एक सर्कल बना लेंगे। नाउ अब एक आपने सेंटर से रेडियस अपने आप ड्रॉ करनी है। एक रेडियस मैंने बना ली, इसका नाम लिख देते हैं ओ, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिल गया है ए। अब इस सेंटर पे अभी हमने सीखा था कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा अगर दोनों टेंजेंट 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब मुझे अब सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप डी की हेल्प लेंगे, ओ पे सेट करेंगे और ओ ए लाइन पर बिल्कुल फिक्स करते हुए इसे एक सौ बीस डिग्री पर मार्क कर देंगे। ये हो गया, अब हम स्केल की हेल्प से इसे मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया, तो ए और बी हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्पर्श बिंदु है। अब ये दोनों पॉइंट्स पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का, तो 90 डिग्री का एंगल हमें कंपास से बनाना आता है। देखिए दोनों साइड्स पे कंपास को थोड़ा सा खोल के यहाँ हम आर्क लगाते हैं और उसके बाद बिना हिलाए उसी को डबल कट करते हैं। यहाँ से वापस काट देते हैं इसे, ये देखिए कट गई है दोनों अक्ष। अब हम स्केल की हेल्प से बी से और इस लाइन में से निकलते हुए आर्क्स में से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। सेम प्रोसीजर मुझे ए पॉइंट पे भी करना है, तो हम अगेन कंपास की हेल्प लेंगे। 90 डिग्री का एंगल मुझे ए पे भी बनाना है, तो आप चाहें तो डी से भी बना सकते हैं बेटा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम कंपास की हेल्प लें। ये देखिए एक बार जितनी आग लगाते हैं उसके बाद उसको हिलाना नहीं है, उतना ही रख के डबल कट करते हैं। फिर इस पॉइंट पे रख के इसी चाप को वापस काटेंगे। ये दोनों कट गई हैं आर्क्स। अब अगेन
ए से और जहाँ ये दोनों आर्क्स काट रही हैं स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इट शुड बी लाइक दिस। ये देखिए अब मिटा जहां ये दोनों लाइंस आपस में काट रही हैं यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां दोनों टेंजेंट्स मिलकर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी। हम चाहें तो इसे डी से ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। आप भी एक कंस्ट्रक्शन अपने आप कीजिए जहाँ दोनों टेंजेंट्स आपस में 70 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं। इसका मतलब सेंटर पे आप कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 110 डिग्री का। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।